बालाघाट के बाद 4 या 5 जगह और कार्यक्रम थे। आचार्य श्री ने सभी कार्यक्रमों में उद्बोधन दिया। मथुरा में ताई जी के मरणोत्तर संस्कार और तर्पण आदि हो गया था। आचार्य श्री उस समय बालाघाट या छिंदवाड़ा में थे। उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के लिए श्राद्ध तर्पण किया और कार्यक्रम चलाते रहे। अप्रैल 1971 में जयपुर में हुआ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ विदाई सम्मेलन से पहले हुए गिने चुने आयोजनों में से एक था। अन्यत्र हुए आयोजन की तरह यहाँ भी राजनीति, धर्म क्षेत्र और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग आए थे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य की उपस्थिति भी अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की तरह थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अनूठी थी। उन्होंने आयोजन की जैसे रिपोर्टिंग कर दी। आयोजन का आंखों देखा विवरण लिखते हुए उन्होंने आचार्य श्री से भेंट के बारे में भी लिखा, कहा कि अभी तक कई धर्म गुरुओं से मिला हूँ। उन मुलाकातों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ जाने की आशंका लेकर उनसे मिला था। वह आशंका क्षण भर में तिरोहित हो गई। अद्भुत देवत्व और आनंद पर अलौकिक तेज, वहाँ शालीनता सरलता झलक रही थी। लगा कि मैं किसी विशाल वृक्ष की गहरी छांव में विश्राम ले रहा हूँ। मौन साधना की अनुभूति से आत्मसात हो रहा था। पहुँचा था मन की भ्रांतियाँ, द्वंद्व और ग्रंथियाँ लेकर, किंतु वे सब मौन थीं। सहज ही मन का विषाद घुलता नजर आया। 4-4 दिन के विदाई शिविरों में आए साधकों के बारे में मान लिया गया था कि आचार्य श्री की उनसे दोबारा भेंट नहीं होगी, लेकिन जून 71 के निकट आते आते तक साधकों का मन बदलने लगा। आग्रह करने लगे कि आचार्य श्री मथुरा से विदा हों तो उस समय एक बार और मिल लें। पहले योजना थी कि जून 71 की 20 तारीख को चुपचाप मथुरा से निकल जाएंगे, उस समय सिर्फ माताजी ही साथ होंगी। साधकों का आग्रह निरंतर बढ़ता जा रहा था। उस स्थिति में 17 से 20 जून की तिथियों में एक आयोजन की तैयारी की गई। विदाई सम्मेलन के रूप में होने वाले इस आयोजन की सूचना मिलते ही देश भर से आने के इच्छुक साधकों की सूचनाएं आने लगें। अप्रैल 71 आते तक 20,000 से ज़्यादा साधकों परिजनों ने आने की सूचना भेज दी थी। सन 1971 में जून की 3 तारीख को गायत्री जयंती थी। उस दिन एक सादे, सौम्य और गरिमापूर्ण समारोह में शैलबाला और प्रणव पंड्या ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। विवाह संस्कार गायत्री तपोभूमि में संपन्न हुआ था। 17 दिन बाद आचार्य श्री अज्ञातवास के लिए जाने वाले थे। अपने जीवन और कृतित्व को लोकोत्तर दिव्य आयाम देने वाले उस क्षण से पहले संपन्न किया, यह अंतिम लौकिक दायित्व था। विवाह संपन्न होने के बाद आचार्य श्री ने कहा, अब हम संन्यस्त हुए। वैसे उनकी तात्कालीन जीवनचर्या संन्यस्त जीवन से जरा भी भिन्न नहीं थी। जिस समय विवाह आयोजन की तैयारी चल रही थी, उस समय आचार्य श्री विचार क्रांति साहित्य को नया कलेवर देने में व्यस्त थे। नई तरह का यह साहित्य 1 पैसे मूल्य का था। अपने विषय में जीवंत प्रेरणा देने वाली विज्ञप्ति शीर्षक की यह सामग्री लोगों को झकझोर देने की क्षमता लिए हुए थी। मथुरा को प्रणाम। 20 जून आते तक गायत्री तपोभूमि में हजारों साधक आ गए। समारोह 4 दिन का था। 17 जून को शुरू हुए इस सम्मेलन में पहले दिन आदर्श विवाहों का आयोजन रखा गया था। 24 युगलों ने अपने जीवन साथी चुने। जीवन भर साथ चलने और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि का व्रत लिया। विदाई सम्मेलन में प्रवचन आदि कार्यक्रम गौण थे। मिलना मिलाना और आगे के लिए मार्गदर्शन लेने पर ही ज़्यादा जोर था। उत्तर प्रदेश के मंत्री जगन प्रसाद रावत और राजस्थान के राज्यपाल निरंजन नाथ आचार्य भी इस समारोह में थे। 4 दिन में 3 मार्मिक उद्बोधन हुए। एक उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश को लेकर था। उन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद कोई भी परिजन स्वयं को वरिष्ठ और दूसरे को नया या कनिष्ठ नहीं माने,
परिवार में रहते हुए सभी भाई हैं और सबकी स्थिति समान है। इसी तरह यज्ञ आयोजनों, सम्मेलनों, शाखाओं और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए भी दिशा निर्देश थे। 20 जून आषाढ़ कृष्ण द्वादशी की दोपहर तक मिलने, प्रवचन करने और संकल्प करने, आशीर्वाद लेने का क्रम चलता रहा। आचार्य श्री और माता जी को प्रणाम करते हुए साधकों के मन में विछोह की तोड़ देने वाली पीड़ा अनुभव हो रही थी। वह पीड़ा आंखों से झरझर कर बह रही थी। साधकों की आंखों से भी और आचार्य श्री व माता जी की आंखों से भी। अखंड ज्योति संस्थान से निकलते समय घर के लोगों का कलेजा तो मुंह को आ ही रहा था। घिया मंडी के पास पड़ोसी भी पीड़ा से बेहाल हो रहे थे। मिलते मिलाते आचार्य श्री और माता जी गायत्री तपोभूमि पहुँचे। रास्ते में दोनों ओर हाथ जोड़े लोग उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहे थे। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आचार्य श्री और माता जी भी वैसे ही विकलता अनुभव कर रहे थे। गायत्री तपोभूमि परिसर में प्रवेश करने के बाद दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए मंदिर की सीढ़ियों तक पहुँचे। आचार्य श्री ने इस बीच माता जी से धीरे से कहा, जल्दी निकल जाना चाहिए, परिजन अपनी व्यथा को रोक नहीं पा रहे हैं। दोनों ने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं, गायत्री माता के सामने झुककर बैठ गए। आदिशक्ति को प्रणाम कर बाहर निकले तो देखा कि सामने दो जोड़ी खड़ाऊ रखी हैं। आचार्य श्री और माता जी से अनुरोध था कि इन्हें पहन लिया जाए, आपकी ये पादुकाएँ ही तपोभूमि संगठन और आंदोलन का संचालन करेंगी। आचार्य श्री और माता जी ने खड़ाऊ पहन ली, मंदिर की परिक्रमा की, एक बार सीढ़ियों के नीचे से ही गायत्री माता को प्रणाम किया और तपोभूमि के द्वार की ओर मुड़े। वातावरण में सिसकियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। हजारों कंठ जैसे करुण क्रंदन करने के लिए बिलख रहे थे। आचार्य श्री और माता जी अपने आंसू पोंछते हुए मंथर गति से यज्ञशाला तक आए, पहनी हुई पादुकाएं उतार दीं। एक कार्यकर्ता ने आगे बढ़कर उन पर फूल चढ़ाए। लीलापत शर्मा ने दोनों पादुकाएं उठाकर सिर पर रख लीं और मंदिर की ओर चल दिए। उधर आचार्य श्री और माता जी गायत्री तपोभूमि के द्वार से बाहर आ रहे थे। पीछे रह गए थे रुदन और विलाप करते हुए कंठ। वहाँ आए हर साधक परिजन का अस्तित्व जैसे कंठ मात्र ही रह गया था। गाड़ी में बैठते हुए आचार्य श्री और माता जी ने एक बार फिर गायत्री माता को प्रणाम किया। गायत्री तपोभूमि को प्रणाम, वहाँ उपस्थित जनमेदिनी को प्रणाम।